दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बताइए इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? दोस्तों, पहले विकल्प को देखिए। इसमें दाएं पक्ष में -2^2 यानी यहाँ केवल 2 का वर्ग है, इसलिए इसका मान -4 होगा। बाएं पक्ष में कोष्ठक में -2^2 है यानी -2 का वर्ग है, इसलिए इसका मान 4 होगा। यहाँ दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। अब दूसरे विकल्प पर आते हैं। इसमें दाएं पक्ष में -2^3 है, यहाँ केवल 2 का घन है और इसका मान -8 है। बाएं पक्ष में कोष्ठक में -2^3 है और इसका भी मान -8 है, यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए यह विकल्प सही है। तीसरे विकल्प में इसमें दाएं पक्ष में -2^4 है, इसका मान -16 है, लेकिन बाएं पक्ष में कोष्ठक में 2^4 है और इसका मान 16 है। यहाँ दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। चौथे और आखिरी विकल्प को देखिए। इसमें दाएं पक्ष में -2^5 है और इसका मान -32 है। बाएं पक्ष में कोष्ठक में -2^5 है और इसका मान भी -32 है, यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए यह विकल्प सही है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ वही 2 विकल्प सही हैं जिनके घात में 1 विषम संख्या है। भले ही हमने यह प्रतिरूप कुछ उदाहरणों से प्राप्त किया, लेकिन यह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य है जिसके घात में विषम संख्या हो। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न देखते हैं। इसे सरल कीजिए। दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्या हम यहाँ घातांक के किसी नियम का उपयोग कर सकते हैं? यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ हम घातांक के इस नियम का उपयोग करेंगे, तो यह गलत है। यदि प्रश्न में यहाँ गुणा का चिन्ह होता तो हम इसमें इस नियम का उपयोग कर सकते थे। प्रश्न में यहाँ धन का चिन्ह है, इसलिए इसे सरल करने के लिए हम घातांक के नियम का उपयोग नहीं कर सकते। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 8 का घन मूल 2 है और 8 का वर्ग मूल 2 करणी में 2 है। इसे हम 2 कोष्ठक में 1 धन करणी में 2 इस तरह लिख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की संख्याओं के बीच जब गुणा और भाग का चिन्ह हो तो ही हम घातांक के नियमों का उपयोग कर सकते हैं, धन या ऋण का चिन्ह होने पर नहीं। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।